ये कितने किलोमीटर तक का ये फ्लाईओवर बन रहा है टोटल? अपनी जो लेंथ है फ्लाईओवर की 2 किलोमीटर है। अच्छा 2 किलोमीटर। अच्छा और यहाँ पे जो है कौन सी कंपनी काम कर रही है फिलहाल? ये यहाँ पे KCPL KCPL कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा और ये जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगा फ्लाईओवर? ये बेसिकली है ना 2 जंक्शन को कंप्लीट कर रहा है, मतलब जैसे ट्रैफिक अपना रिजोल्व हो जाए यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे 2 है, एक बिटोली क्रॉसिंग है। हाँ। एक बिटोली चौराहा है। अच्छा। यहाँ पे जंक्शन है 2, तो उस जंक्शन के ऊपर जो ट्रैफिक लगता है ना, हैवी ट्रैफिक, लाइट व्हीकल ट्रैफिक, क्योंकि ये मेन रूट पड़ जाता है दिल्ली वाला। हाँ। तो इस ट्रैफिक को, लोकल ट्रैफिक को क्लोज करने के लिए, कम करने के लिए ये एलिवेटेड कॉरिडोर दिया गया। अच्छा जी, तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट तो गवर्नमेंट ने डेट तो 2023 दिसंबर तक दी है। अच्छा, बट ये जल्दी हो जाएगा, जून तक खत्म हो जाएगा, जून तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी जी। अच्छा, और बस एक ही कंपनी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? हाँ, एक ही कंपनी KCPL डायरेक्ट प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, NHAI नेशनल अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, तो इस तरीके से जो है इस फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, और जिसका जो टाइम दिया गया दिसंबर, और उससे पहले ही जो है KCPL कंपनी से हैं ये, आप इंजीनियर हैं। तो जो है जैसा कि आप इंजीनियर साहब से बात हुई है, तो इनके द्वारा जो है ये कहा गया कि जून में कंप्लीट हो जाएगा, टाइम से बहुत पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छा रहेगा, और भीड़ से जो है निजात पाने के लिए इस फ्लाईओवर को जो है निर्माण किया जा रहा है, और बहुत ही बड़े पैमाने पे काम चल रहा है यहाँ पे जो है। लगभग अभी तो फिलहाल हमने देखा कि लगभग जो है काम कंप्लीट होने ही वाला है, गार्डर्स वगैरह सेट हो चुके हैं, इस पर पैनल्स भी लगभग लग चुके हैं, थोड़े बहुत जो है और भिटोली तिराहे पे अभी थोड़ा सा काम बचे हुए, उस साइड में काम हो रहा है अभी। तो नो डाउट मुझे लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, स्टार्टिंग अक्टूबर 2022 में हुआ था। अच्छा, अक्टूबर 2022 में चालू हो गया था इसका मेन स्ट्रक्चर का काम। अच्छा, तो लगभग फिगर ये 6 महीने हुए हैं जहाँ से बोटम टू टॉप आ गए हैं। बहुत जल्दी काम हुआ है जी। अरे तब तो बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया, स्किल्ड लेबर के साथ काम किया। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो चलते हैं अब आगे देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अवध के प्रिंस। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं सीतापुर रोड पे, जो कि यहाँ पर जो है रोड का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको जो है इधर से चौड़ीकरण जो है इधर का हो चुका है, और आगे बढ़ेंगे और आपको जो दिखाएंगे कि इस रोड पे जो है किस तरीके से जो है काम हो रहा है, क्या अपडेट है यहाँ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हम आगे पहुँच रहे हैं, और हमें दिख रहा है कि आगे चल करके जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस सीतापुर रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो देखिए आपको दिख रहा होगा आगे चल करके कि यहाँ पे जो है बैरिकेड किया गया, और बैरिकेड करके जो है अंदर में फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तो इस रोड पर भी जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लखनऊ में जगह जगह पर जो है जगह जगह पर जो है रोड का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस जहाँ से ये फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, ये जो लोकेशन है बिठौली पड़ता है, बिठौली भी रहा, यहीं से जो इस फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ है। और आगे चल करके हम देख सकते हैं कि फ्लाईओवर जो है लगभग यहाँ पे जो है गार्डर सेट कर दिए गए हैं, और जो है पिलर्स भी सेट कर दिए गए हैं, पिलर्स पूरा का इधर का जो है कुछ कुछ जगह पे जो है हो चुका है, और साइड में पैनल्स भी लगा दिए गए हैं, देख सकते हैं आप गाइस। सभी की नज़रें कैमरे पे पहुंच गए हैं इस फ्लाईओवर पे, बिठौली फ्लाईओवर पे, और जानते हैं इसके बारे में। मैं भी यहां पे जो है फर्स्ट टाइम आ रहा हूं, और ये न्यू अपडेट है गाइस, ये बिग अपडेट आप सभी के लिए। ये देख सकते हैं यहां पे थोड़े से जो है ट्रैफिक भी लग रहा है, इस साइड में जो है ये पैनल्स लगे हैं, और इसे पैनल की बात करूं तो 1 2 3 4 5 हमारे सामने जो है 5 पैनल्स लगे हैं, और जो है आगे चल करके जो है इसको डाउन किया गया है, ये देख सकते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनसे हमने बात किया, और उनसे जो है इंटरव्यू हम लोग ने लिया, तो इस तरीके से जो है उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, और उनके इस इन्फॉर्मेशन से जो है हम सभी को और हमारे फैमिली को काफ़ी मदद मिलेगी समझने में इस फ्लाईओवर को। और ये फ्लाईओवर जो है ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, ये फ्लाईओवर सिर्फ और सिर्फ जो है 2 किलोमीटर तक ही गया है, क्योंकि
इस पे बस इसको बनाने का बस एक ही मकसद है कि जो भीड़ है उस भीड़ को जो है कम करने के लिए जो है फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और ये फ्लाईओवर थोड़ा सा और आगे जाता है, और ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं कि इधर तक ही जो है यहाँ पर जो है रोलर, और रोलर से जो है मिट्टी को बैठाया गया है, और बैठाने के बाद जो है इस पे अभी पक्का रोड किया जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। कब तक इसको फिनिश किया जाएगा भैया? जुलाई के लास्ट तक फिनिश हो जाएगा। जुलाई के लास्ट तक ये पक्का हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। अच्छा, अभी आजकल में क्या काम चल रहा है यहाँ पे? आजकल मैरी वॉल का और स्ट्रक्चर का चल रहा है। अच्छा, स्ट्रक्चर तो लगभग 20-25 दिन बाद फाइनल है स्ट्रक्चर, हाँ 1.5 महीने बाद दोनों वाली वॉल अपनी कंप्लीट है। अच्छा, और ये कब तक शुरू हो जाएगा इसको पक्का करने के लिए लेयर? इसके लिए अभी स्टार्टिंग कर देंगे कुछ दिन बाद, 15 दिन में। अच्छा ठीक है। तो और यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी जो है इसके रोड बनाने में काम आ रही है? काम तो भैया एक तो ये रोलर हो गई, रोलर है, हार्ड्रा हो गई, जेसीबी हो गई, ओपलेन है मिट्टी उठाने वाली, ओपलेन भी। अच्छा, और कौन कौन सी मशीन है? प्योर मशीन है, क्रेन भी है। अच्छा, क्रेन। कंपाइलर की जरूरत पड़ी होगी यहाँ पे? हाँ, कंपाइलर पिलर डालने के लिए ना। हाँ, तो इधर तो इसके मतलब ये 200 मीटर के बाद ही पिलर का काम हुआ है? नहीं, यहाँ से 400 मीटर आगे है, ये दिख रहा है सामने। हाँ, यही ना, 400 मीटर आगे अपना स्ट्रक्चर एरिया स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, तो वहीं से मीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, और बाकी ये जो है यहीं पे फ्लाईओवर खत्म हो रहा है? हाँ, यहीं पे इसके एंड में। और ये रोड जो है सीतापुर जा रहा है ना? चलिए धन्यवाद। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ का अपडेट है कुछ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 4 लेन का फ्लाईओवर बन रहा है ये टोटल 680 मीटर में 4 लेन सिर्फ बन रहा है, और बाकी जो है 500 मीटर तक जो है ये फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। और ये जो है आपका एक लेन की जो चौड़ाई मैं आपको बता दूं तो एक लेन जो है 8.5 मीटर की ये एक लेन है, यानी आप 4 लेन के हिसाब से आप समझ सकते हैं 8 चौके 32 और 2, यानी आपका 34 मीटर का ये फ्लाईओवर बन रहा है, चौड़ाई में बता रहा हूँ इस फ्लाईओवर का। और इस पे जो है टोटल खर्च जो रखा गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो कि 140 करोड़ है, लमसम जो है 140 करोड़ इस पे खर्च किए जाने हैं। तो देख रहे हैं काफ़ी भव्य और काफ़ी दूर तक जो है ये, और आपको मैं बता दूं कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही ये जा रहा है फ्लाईओवर, और इसे जो है लगभग जो हरदोई से साइड जो आते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे से जो लोग आते हैं, और भी फैजाबाद से जो लोग आते हैं, उन सभी के लिए ये फ्लाईओवर बहुत ही मददगार साबित होगा, उन सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल ये फ्लाईओवर होगा। तो जब ये बन जाएगा तब ये और भी भव्य लगेगा, और भी आसान चीज़ें हो जाएंगी। और इसका जो है कंप्लीटेशन जो डेट है वो गवर्नमेंट के हिसाब से वो जो है दिसंबर 23 तक कंप्लीट करना है, लेकिन जो है यहाँ पे जो कंपनी है जो इंजीनियर हैं उनका कहना है कि ये बहुत जल्द ही हमारे बीच तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जून में ही हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ऐसे ही कंपनियों को रेगुलर बेसिस पे जल्दी जल्दी जो है काम करते रहना चाहिए। हमने देखा कि काफ़ी जो है ऐसे हमारे लखनऊ में और भी जो फ्लाईओवर हैं और भी रोड्स हैं जो कि समय काफ़ी लग जाता है बनने में, जैसा कि हम जानते हैं कि ये आपका आउटर रिंग रोड गया, काफ़ी समय लग गया इसमें, लेकिन वो जो है हालाँकि वो छोटा है 2 किलोमीटर का ही फ्लाईओवर है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन हाँ जो गवर्नमेंट ने डेट दिया उससे पहले करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस कंपनी की। ये जो है फ्लाईओवर आपका लखनऊ से लेकर के सीतापुर तक बनाया जा रहा है, ये जो है जो फ्लाईओवर सीतापुर तक जाएगा, और इसको जो है 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जा रहा है लखनऊ टू सीतापुर रोड। और ये जो है KCPL साइट ऑफिस जो है KCPL कंपनी जो है बना रही है, और इसके बारे में बता दूँ आपको तो ये जो है आपका इधर से जो है देख सकते हैं क्योंकि, और आइए मैं आपको यहाँ पे काम दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हार्ड्रा है, और हार्ड्रा मशीन से जो है इसमें काम चल रहा है। ये
रोड जो है कहाँ कहाँ पे जा रही, कहाँ पे जा रहा है ये रोड, ये जो फ्लाईओवर है ये कहाँ पे जा रहा है? ये दिल्ली रोड है, दिल्ली रोड है, दिल्ली रोड है ये, लखनऊ टू दिल्ली, ये सीतापुर, हाँ सीतापुर दिल्ली रोड है, लखनऊ टू दिल्ली रोड है वो, सीतापुर होते हुए जा रहा है सीतापुर लखीमपुर। अच्छा ये जो है लखनऊ से निकल करके सीतापुर लखीमपुर और होते हुए दिल्ली तक जाएगा? हाँ फैजाबाद। अच्छा तो इस फ्लाईओवर का क्या नाम है मालूम है कुछ? नहीं मालूम। ठीक है ठीक है ठीक है, तो करिए काम। न्यूज़ न्यूज़, हाँ न्यूज़ डालते हैं, दिखाई जाएगा टीवी पर। हाँ 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 सो गाइस ये वीडियो जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से किसी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय। हमारा चैनल, चैनल है अवध के प्रिंस, सर्च करिए।